हेलो बच्चों, हमने आपके पाठ्य पुस्तक की 8 कविताएं हम पढ़ चुके हैं, अर्थात 8 कवियों को हम पढ़ चुके हैं। अब है नवाबाट ऋतुराज, ये आपके 25 कृति का आखिरी पाठ है। तो ऋतुराज जी आधुनिक काव्य धारा के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। आधुनिक काव्य धारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पाठ्यक्रम के अंदर प्रत्येक काल का प्रत्येक युग का हर कवि शामिल है। हर कवि से मतलब है प्रत्येक 2 या 3 या 4 कवियों को उसमें सम्मिलित किया गया आपके पाठ्यक्रम में। तो आधुनिक काव्य के अंदर भी बहुत सारे खंड है बच्चों। जैसे आधुनिक काव्य में मैंने आपको बताया था भारतीय युद्ध है, द्विवेदी युद्ध है, प्रसाद युद्ध है, ठीक है, और छायावाद युद्ध है, ठीक है, उसके अलावा भी प्रगतिवाद है और बहुत सारे युग है बच्चों। आपको बताऊंगी तो बताना शायद पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना सारा साहित्य हमारा बहुत पड़ा है, ठीक है। तो ऋतुराज जी के बारे में हम देखते हैं। ऋतुराज जी का जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। बहुत खुशी की बात है बच्चों, आपके राजस्थान के कवि का वर्णन आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर 10 फरवरी 1940 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जहाँ आप रहते हो जयपुर में, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया। 40 वर्षों तक इंग्लिश साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद में वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हुए, ठीक है, और जयपुर में ही रहते हैं, ठीक है। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 8 कविता संग्रह ऐसे हैं जिनका भी प्रकाशन हो चुका है। उनमें से एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ये प्रमुख जो रचनाएं हैं काव्य की, उनमें कौन कौन से हैं? एक मरणा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। उन्हें सोमदर, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों को की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। बच्चों आपने प्रेमचंद जी के बारे में सुना होगा। प्रेमचंद जी ने भी समसामयिक समस्याओं को उठाते हुए अपने काव्य में बहुत अच्छा उनको एक अवसर दिया था। उनका आप जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया था, जैसे कि आप पढ़ेंगे प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास है, वो कृषक वर्ग की समस्त समस्याओं का वर्णन करने वाला उपन्यास है। और गोदान के अंदर कृषक वर्ग की जितनी भी कठिनाइयां आपको इनके सामने, उनको कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वो सब गोदान में बताया गया है। उसी प्रकार ऋतुराज ने भी अपनी रचनाओं के अंदर जो समस्या आधारित समाज है, अर्थात जिन जो समाज के उपेक्षित वर्ग है, उन लोगों को अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया है। और इसीलिए उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है, और वे अपने आसपास के रोजमर्रा में विदित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। समाज में होने वाली कुरीतियां या समाज में जो गोरख धंधे चलते हैं या जो बुरी रीतियां चलती है, बुराइयां हैं जो आसपास में, उन बुराइयों को अपना विषय बना करके उनके प्रति जागरूकता फैलाई है ऋतुराज जी ने, ठीक है। यही कारण है कि उनकी भाषा में परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जब आप किसी से समान परिस्थितियों को देखते रहे या जिस कंडीशन में वो है, जिन परिस्थितियों का वो सामना कर रहा है, अगर वैसे ही कंडीशन आपके सामने रहती है या वैसे ही बातें आप उससे करते हो, तो उसको बहुत सहजता महसूस होती है। तो ऋतुराज जी ने भी अपने काव्य के अंदर या अपनी रचनाओं के अंदर उसी सहजता को बनाया था, और उसी सहजता के कारण या रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं के कारण या आपका वो सामान्य जीवन में जो घटनाएं होती है या सामान्य जीवन में जो कठिनाइयां जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है, उन परिस्थितियों को लेकर के सामान्य जीवन की भाषा को उन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया है, और इसीलिए वो जनता से जुड़े रह सके, ठीक है। पार्ट टू, ऋतुराज की कन्यादान कविता आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, ठीक है। वे आदर्शीय मुखौटे में बंधन होते हैं, कोमलता के द्वारा में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसे आदर्शीकरण का प्रतिदान है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण इसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता
कविता में पूरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना व्यक्त की है। बच्चों, एक माँ है जो अपनी बेटी की शादी कर रही है और बेटी की शादी में जो कन्यादान होता है उस कन्यादान को लेकर के ये कविता ऋतुराज ने रची है। कन्यादान कविता के अंदर कवि ये दर्शाना चाह रहा है कि कैसे एक माँ अपने जीवन की समस्त पूंजी को समेट करके किसी और के हाथों सौंप देती है, लेकिन उसे चिंता है कि आने वाली भविष्य में या भविष्य में जो भी समस्या उसके सामने आने वाली है उन समस्याओं का सामना करने के लिए वो बहुत छोटी है। उसे अपने उज्जवल भविष्य के बारे में दिखाई तो देता है और वो अपने उज्जवल भविष्य के सपने तो बुन रही है, सुनहरे सपने बुन रही है, लेकिन उसे उस सुनहरे सपनों को पाने के लिए जिन कठिनाइयों का जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। चलिए हम देखते हैं कविता को। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है तो उसका दुख, उसकी जो पीड़ा है उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। बच्चों, उसका दुख बहुत ज्यादा प्रमाणिक था, कोई भी देखकर कह सकता था कि उसके मन पर क्या बीत रही होगी। लड़की को दान में देते वक्त जब वो अपनी लड़की को दान दे रही है किसी और घर की वो लक्ष्मी बनाने जा रही है अपने घर अपनी बेटी को, तो ऐसा लग रहा है मानो वही उसकी अंतिम पूंजी हो, सारे जीवन की जो उसकी कमाई है वो कौन है, उसकी वही बेटी है जिसे वो दान में दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सदन थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। अभी उसकी लड़की इतनी सयानी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, इतनी भोली है, इतनी सरल है वो कि उसे सुख का आभास तो होता था कि शादी से ना जीवन का सुख क्या होता है वो उसका उसे अंदाजा था। वो महसूस कर रही थी अपनी सहेलियों से, सुनती है आस पड़ोस से नई नई शादी होती है तो कैसे उनको सुखी रखा जाता है या कैसे अपने सुनहरे भविष्य के सपने खुलती है आने वाले घर के लिए, तो ऐसे ही ये लड़की भी अपने आने वाले सुनहरे जीवन की शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोच सोच के खुश हो रही है, लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि शादीशुदा जिंदगी में सुख के अतिरिक्त दुख भी होता है जिनका सामना हर कोई व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता। हर लड़की उन समस्याओं का सामना उस तरीके से नहीं कर सकती है और अपनी जीवन में उसे हर समस्याओं का सामना करना आना चाहिए, यही इस कविता में दर्शाया गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। उसे वैवाहिक जीवन के सुख के बारे में तो पता था लेकिन वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं का उसे पता नहीं था। पाठिका दिए हुए धुंधले प्रकाश की कुछ तर्कों और कुछ वैभव पंक्तियों की, जिस प्रकार कोई व्यक्ति या कोई पाठिका पाठिका यानी पढ़ने वाली तो वह धुंधले प्रकाश में यानी कि एक प्रकाश जो है वो पूरी तरीके से सही प्रकाश नहीं आ रहा, ऐसे प्रकाश में कम रोशनी के अंदर कोई रचना पढ़ी जाती है तो आसानी से समझ में नहीं आती, आपकी आंखों को भी जोर पड़ता है, आंखों पर भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको लेकर के और ढंग से वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कवि ने ये बताया है कि वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ पर कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से क्या तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन के बाद में जो सुख प्राप्त होता है उन कुछ थोड़े बहुत सुखों के बारे में उसे पता था और उन्हीं सुखों को लेकर के वो अपने उज्जवल भविष्य के अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सपने बुन रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। क्यों? माँ ने ये कहा कि तुम शादी के बाद भी जब अपने ससुराल जाओगे तो पानी में भी अपने चेहरे को देख के मत रिझना कि माँ बहुत सुंदर हो गई। क्यों? क्योंकि ये सब आकर्षण होते हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आज अगर आप वर्तमान में कंडीशन देखते हो तो कई लड़कियां ऐसी है जिन्हें दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है या उनका बहिष्कार कर दिया जाता है या कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसा गलत किया जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होती है। तो यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को यही सीख दी है कि आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। अर्थात
विषम से विषम परिस्थिति या कठिन से कठिन समस्या का भी आपको डटकर सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, ना कि हार माननी चाहिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। बच्चों सबसे जो कॉमन पॉइंट होता है लेडीज का या महिलाओं का वो यही होता है, उनको वस्त्र और आभूषण के माध्यम से उन्हें रिझाने का प्रयास किया जाता है। और मोस्टली महिला ऐसी होती है जो उनके रीच भी डरती है, लेकिन वही चीज यहाँ पर कवि ने उनके लिए बंधन बताए हैं, ऐसे बंधन बताए हैं जिनसे उनको मुक्त हो पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो स्त्री जीवन के लिए बंधन होते हैं। ठीक है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। बच्चों इन पंक्तियों को कवि ने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि लड़की जो होती है वो कोमल स्वभाव की होती है, बहुत सरल स्वभाव की होती है। कोई भी व्यक्ति अगर भोली भाली लड़की को छल लेता है तो वो आसानी से उनके झांसे में आ सकती है। इसीलिए माँ ने कहा कि लड़की जैसी कोमलता तुम अपने अंदर रखना, लेकिन उसको दिखाना मत, झलकाना मत, ताकि कोई तुम्हारा फायदा उठा सके। तुम ऐसी कोमल मत रहना, इतनी सुंदर मतलब इतनी सॉफ्टनेस भी अपने आप में मत रखना कि कोई भी तुम्हें आकर के छल करके चले जाए तुम्हें पता भी ना पड़े। नहीं, तुम लड़की हो, लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़कियों जैसी कोमलता जो है, लड़कियों जैसी सॉफ्टनेस जो है वो अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि ये सब क्या होती है, ये एक तरीके से बंधन होती है लड़की के जीवन के लिए। आप लोगों को कठोर होना पड़ेगा। और यहाँ पर माँ ने यही सीख दी है कि तुम्हें कैसी भी परिस्थितियां आएगी उन सभी परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत रखना है, कठिनाइयों का सामना करना है, और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। भविष्य में आपको अपने जीवन की समस्त समस्याओं का सामना करते हुए अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।